कहते हैं विकास का पैमाना सबसे छोटे स्तर ग्राम पंचायत से शुरू होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अगर ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बना दिया जाए तो विकास में चार चांद लग जाते हैं, लेकिन अगर ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनी पंचायत को वहीं के ग्रामीण दोबारा ग्राम पंचायत बनाने की मांग करें तो आपको भी ताज्जुब होगा। और आज छत्तीसगढ़ राज्य में यही हुआ। बस्तर, जो कि नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त है, उसे ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत में तब्दील की मांग को लेकर आज 2 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग 30 को बाधित कर दिया गया। इस दौरान आदिवासी ग्रामीणों ने पिछली भाजपा और वर्तमान कांग्रेस की सरकार को जमकर कोसा और कहा कि दोनों सरकारों ने भले ही करोड़ों रुपए के कार्य करवाए होंगे, लेकिन आज भी बस्तर के लगभग 1 दर्जन वार्ड मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, पानी और बिजली के लिए मोहताज है और इसी कारण सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा और कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को अनदेखा करती है तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या राज्य में सत्ताधारी भूपेश बघेल सरकार बस्तर के आदिवासी ग्रामीणों की नगर पंचायत को दोबारा ग्राम पंचायत बनाने की गैर जायज मांग पूरी करती है या विकास कार्यों पर बट्टा लगाकर कुंभकर्णी नींद सो रही भूपेश बघेल सरकार नींद से जागकर ग्रामीणों की जायज मांग मानकर विकास कार्य में तेजी लाती है। वॉइस ऑफ MP छत्तीसगढ़ के लिए बस्तर से स्टेट हेड मोहित व्यास की स्पेशल रिपोर्ट।